मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में संचालित विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम, उस टर्म से एक आज टॉपिक है बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग BEP के नाम से भी जानते हैं। यह है क्या, देखिए इसमें यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए सन 1993 में 17 जिलों के साथ शुरू की गई एवं सन 2000 में यह पूर्ण हो गई। मतलब कि जो भी बेसिक शिक्षा है, कह लीजिए कि चाहे प्राइमरी से पहले की शिक्षा या प्राइमरी तक, उस शिक्षा को सुधारने के लिए या उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए वो कब शुरू की गई थी, 1993 में कितने जिलों के साथ, 17 जिलों के साथ ये चीज़ें शुरू की गई थी, और 17 जिलों में कब पूरा हो गई थी, 7 वर्ष बाद अर्थात सन 2000 में यह पूरा हो गई थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि BEP का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, यह परियोजना कब शुरू की गई थी, 1993 में कितने जिलों के साथ शुरू की गई थी, 17 जिलों के साथ शुरू की गई थी, और यह परियोजना कब पूरी हो गई थी, सन 2000 में यह परियोजना पूर्ण रूप से हो गई थी। अब क्या है, इस परियोजना के तहत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को मुख्य रूप से महत्व दिया जा रहा है। मतलब कि इस परियोजना का ये तात्पर्य है कि सभी के लिए क्या होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा की पहुंच होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी बच्चा शिक्षा संबंधित अधूरा न रहा या शिक्षा संबंधित वंचित न रह पाए। इसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनिकरण के नामांकन को बढ़ाना है, शिक्षा की अवधि की पूर्णता को बढ़ाना है तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक, शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि बेसिक शिक्षा में जो भी सुधार करनी है, चाहे मूल्यांकन संबंधी सुधार करनी हो, चाहे शैक्षिक प्रबंधन संबंधी सुधार करनी हो, चाहे मतलब टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड की बात करनी हो, या कले की इन्वायरमेंट की बात करनी हो, या कले कक्षा कक्ष की बात करनी हो, मतलब कि हर तरह से जो भी सुधार करनी है उस सुधार की बात कौन करता है, BEP करता है। ठीक, बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य रूप से 3 अंग हैं, क्या है, संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, गुणवत्ता में सुधार लाना तथा बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। मतलब कि पूछ सकता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, पहला संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना, जो भी स्कूल्स हैं उनकी क्षमता में क्या करना, उनको और बढ़ाना। ठीक, और जो संस्थान है उनकी गुणवत्ता में क्या करना, वृद्धि करना तथा पूर्णता को प्राप्त करना, और तीसरा बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। मतलब कि बेसिक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि सभी बच्चा उसको क्या कर सके, लेने का प्रयास कर सके। ठीक, अब अगली एडिंग है बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य, मतलब BEP के कार्य क्या हैं। देखिए पहला है NCERT का सुदृढ़ीकरण, मतलब जो NCERT संस्था है उसको क्या करना, और अच्छे तरीके से उसके कार्य को क्या करना, अपने अंदर समाहित करना या उसमें सुधार करने की कोशिश को करना। दूसरा है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, मतलब कि इसका BEP का एक और कार्य है, राज्यों के लिए शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की क्या करना, स्थापना करना भी इसका क्या है, मुख्य कार्य है। तीसरा है प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, मतलब कि मतलब हर जिले पर क्या करना, एक हो शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, किसका कार्य है, BEP का। चौथा है संप्राप्ति में सुधार, मतलब संप्राप्ति मतलब कि ऐसी शिक्षा जो जिसमें सभी बच्चों का क्या हो सके, पूर्ण रूप से विकास हो जाए, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, चाहे उसके हर प्रकार के सर्वांगीण विकास की बातें कौन करता है, BEP, मतलब संप्राप्ति में सुधार को करना है। फिर चौथा है, पाँचवा है बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना, भी इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य या कार्य है। फिर नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, मतलब कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना भी इसका मुख्य कार्य है। फिर नेक्स्ट है लास्ट, नवीन मूल्यांकन तकनीकी तथा प्रविधियों का विकास करना, मतलब समय समय पर क्या है, मूल्यांकन में सुधार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इससे संबंधित 5-7 क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोगों को बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जो कि जिला संबंधित होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।